चलिए अब आपको सबसे पहले प्रदेश में कोरोना का मॉर्निंग अपडेट बताते हैं। 12 घंटे में 102 पॉजिटिव केस आए हैं सामने, सर्वाधिक 28 केस अकेले जयपुर में। प्रदेश में कोरोना का मॉर्निंग अपडेट, 12 घंटे में 102 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, सर्वाधिक 28 केस अकेले जयपुर में। अलवर में 13, बारा में 3, भरतपुर में 18, चुरू में 1 केस, धौलपुर में 1, डूंगरपुर में 3, झालावाड़ में 10, करौली में 2 केस, कोटा में 3, नागौर में 13, राजसमंद में 3, सिरोही में 2। दूसरे राज्य के भी मिले हैं 2 पॉजिटिव केस। राजस्थान में अब तक कोरोना से हो गई है 203 मौतें, जबकि पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ पहुंचा है 9,475। तो पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ भी लगातार बढ़ता हुआ 9,475, जबकि मौत 203। 12 घंटे में 102 और नए पॉजिटिव केस, सर्वाधिक 28 केस अकेले जयपुर में। अलवर में 13, बारा में 3, भरतपुर में 18, चुरू में 1 केस, धौलपुर में 1, डूंगरपुर में 3, झालावाड़ में 10, करौली में 2, कोटा में 3, नागौर में 13, राजसमंद में 3 और सिरोही में 2 केस। और विकास हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, अब तक कुल 203 मौतें, जबकि पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ 9,475 को पहुंच गया है। हालांकि 6,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं, लेकिन लगातार ग्राफ आगे बढ़ता हुआ, क्या कुछ आपके पास पूरा अपडेट? देखिए, अगर आप आंकड़ों को देखते हैं तो आज 32 से सुबह का जो ग्राफ है उसी में 100 के पार आंकड़े पहुंच गए हैं। 102 का आंकड़ा प्रदेश का पहुंचा, जिसके अंदर से 28 केस अकेले जयपुर के अंदर सामने आए। इसके अलावा अलवर में 13 केस सामने आए, भरतपुर में 18 केस सामने आए हैं और झालावाड़ के अंदर 10 केस सामने आए, नागौर में 13 केस सामने। ये वो ज्यादा इलाके वाले इलाके हैं जहाँ पर सर्वाधिक मरीज जो है पॉजिटिव सामने आए। हालांकि अच्छी बात यह है कि आज पिछले 12 घंटे के अंदर एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन फिर भी राजस्थान में आंकड़ों का गणित जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। 9,475 आंकड़ों का गणित अब तक हो चुका है, लेकिन अगर बात करें हम एक्टिव केस तो राजस्थान में 67 ही एक्टिव केस बचे हैं और इनमें से भी 2712 केस तो वो है जो बाहर से प्रवासी राजस्थान में आए थे। यानी कि स्थितियां आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थितियां काफी कंट्रोल में है और अगर लोग जागरूक रहते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हैं, लोग अपने व्यवहार के अंदर सारी चीजों को लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो आंकड़ा है उसमें कमी जरूर आएगी। जी बिल्कुल विकास, और कहीं ना कहीं मामले लगातार बढ़ते हुए लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।